रेसलिंग इंडस्ट्री में कैरेक्टर्स एंड गिमिक्स बहुत अहम रोल निभाते हैं, और अगर आप 80s की रेसलिंग की बात की जाए या 90s की या अर्ली 2000s की, तो कुछ गिमिक्स सिर्फ हफ्तों महीनों तक ही टिक पाती हैं और कुछ इतनी ज़्यादा वर्स्ट होती हैं कि उन्हें दिनों में ही फायर कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें मोस्ट ग्रेटेस्ट और आइकॉनिक गिमिक्स और कैरेक्टर्स की रेसलिंग हिस्ट्री में, तो ऐसी एक अद्भुत मिस्टीरियस और मॉन्स्ट्रस कैरेक्टर का नाम हमारे जहन में पहले आता है, जिसे हम बिग रेड मशीन केन के नाम से जानते हैं। केन का असली नाम है ग्लेन जैकब्स, और केन का कैरेक्टर एक ह्यूज सक्सेस रहा है ग्लेन जैकब्स के लिए। लेकिन इस गिमिक और कैरेक्टर से पहले ग्लेन जैकब्स विक्टिम रहे हैं बहुत सारी सीरीज ऑफ फ्लॉप टेरेबल कैरेक्टर्स और गिमिक्स के, लेकिन केन का कैरेक्टर उनके और उनके करियर के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है, और ये एक तरफ से उनका लास्ट चांस भी था जब वो WWE के लिए परफॉर्म करते थे। लेकिन केन बनने से पहले ग्लेन जैकब्स एक बिग रेड मशीन को रेसलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी हाइट 6'10" थी और उनका वज़न 300+ पाउंड्स था। तो रेसलिंग इस मॉन्स्टर लाइक ह्यूमन को अपने प्रमोशंस में हाइप करे, उन्होंने डेब्यू किया 1992 में एंगस किंग नाम से यूनाइटेड स्टेट्स रेसलिंग एसोसिएशन में। इसके बाद एक अनोखी तरह की गिमिक जैसे क्रिसमस क्रीचर और डूम्सडे के नाम से उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को प्ले करा था। जैकब्स ने WCW में कुछ सालों तक रेसलिंग की थी, जिसमें उनका नाम ब्रूजर मार्टिनो था, और उसमें वे एक मैच स्टिंग से हार गए थे। और एक बार 1995 में जिम कॉर्नेट की नज़र जैकब्स पर पड़ी, क्योंकि WCW क्विट करने के बाद जैकब्स स्मोकी माउंटेन्स रेसलिंग टेरिटरी में रेसलिंग करने लगे, जहां पर उनका नाम एनाबॉम था, जो कि एक टेररिस्ट पर बेस्ड था। कॉर्नेट ने जैकब्स को हायर किया WWF के लिए, और उस समय विंस मैकमैन को जैकब्स के बारे में बताया, जो उस समय जैकब्स को एक इविल डेंटिस्ट की गिमिक में WWF में लॉन्च करने वाले थे। जैकब्स काफ़ी एक्साइटेड थे कि फाइनली उन्हें WWF जैसी बड़ी रेसलिंग कंपनी में परफॉर्म करने का चांस मिल रहा है, पर उनकी एक्साइटमेंट कुछ समय की ही थी। जो उनका कैरेक्टर एक इविल डेंटिस्ट का था, उनका WWF में उस समय ऐसा प्लान किया गया था उनका डेब्यू कि 1995 में ब्रेट हार्ट कंपनी के टॉप स्टार्स में से थे, और उनका फ्यूड जेरी द किंग लॉयर के साथ उस समय चल रहा था। और ब्रेट हार्ट और जेरी द किंग लॉयर का किस माय फुट मैच हुआ, उस मैच के दौरान ब्रेट हार्ट का फुट उन्हें जेरी के मुंह में घुसाया था, और जेरी को डेंटल वर्क की ज़रूरत होगी इस इंसिडेंट के बाद। तो इस तरह एक इविल डेंटिस्ट डॉक्टर आइज़ैक यंकिम DDS का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ WWF में, जो जेरी लावर का एक प्राइवेट डेंटिस्ट होता है, जिसका मैच होगा ब्रेट हार्ट के साथ। ब्रेट हार्ट के डॉक्टर आइज़ैक यंकिम के साथ बहुत सारे मैचेस हुए जो बहुत ही टेरेबल हुए थे, और डॉक्टर आइज़ैक यंकिम का कैरेक्टर भी जैकब्स का एक फ्लॉप गिमिक साबित हुआ, और जैकब्स को पहले से ही पता था कि यह कैरेक्टर नहीं चल पाएगा, और बाद में विंस मैकमैन ने भी इस कैरेक्टर से गिव अप कर दिया था। पर अनफॉर्चुनेटली मैकमैन का जैकब्स के लिए अगला प्लान शायद डॉक्टर आइज़ैक यंकिम DDS की गिमिक से भी ज़्यादा वर्स्ट। मिड 1996 के दौरान रेजर रेमोन और डीजल, स्कॉट हॉल, केविन नैश ने WWF को छोड़ के WCW को ज्वाइन कर लिया था, और उस समय WWF के दो बहुत बड़े सुपरस्टार जो जंप शिफ्ट कर गए WCW में, लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स थे रेजर रेमोन और डीजल, वो WWF ने ओन कर रखे थे। तो जैकब्स को उन्होंने केविन नैश का कैरेक्टर दिया था फेक डीजल के नाम से। मिड 1990s का समय WCW का एक ड्रीम रन था, क्योंकि WCW उस समय रेटिंग्स में WWF से आगे चल रहा था। WWF की स्टोरी लाइन्स काफ़ी फीकी दिखाई पड़ रही है, तो लगा कि विंस मैकमैन का दिमाग ख़राब हो गया है और वो कंपनी के लिए अच्छे और किफ़ायती रेसलर्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैकब्स को लगा कि फेक डीजल का गिमिक एक मिस स्टेप था उनके करियर में, और एक इंटरव्यू में जैकब्स ने कहा था कि केन बनने से पहले उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी WWF में, पर डॉक्टर आइज़ैक यंकिम और फेक डीजल के कैरेक्टर्स जो उन्हें प्ले करने को मिले थे, उसमें उन्हें कुछ ज़्यादा करने को नहीं था। और फेक डीजल का कैरेक्टर तो इतना ज़्यादा बुरा था जो बिल्कुल ही काम नहीं करा।
इसके बाद जेकब्स का कैरेक्टर जो WWF में इंट्रोड्यूस होने वाला था उसने काया पलट कर दी पूरे WWF के इतिहास की। 1997 के मिड में WWF ने क्रिएट किया था एटीट्यूड एरा को, और उस समय अंडरटेकर का कैरेक्टर WWF में एक डोमिनेटिंग फोर्स रहा था। जब से डेडमैन द अंडरटेकर ने अपना डेब्यू किया था 1990 सर्वाइवर सीरीज में, और वे एक अनबीटेबल फोर्स रहे थे WWF में, और एक ऐसा कैरेक्टर जो अंडरटेकर के साथ कम्पीट कर सके हर एस्पेक्ट में, और एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ही अननेचुरल हो और बहुत ही अद्भुत हो, जो इससे पहले फैंस ने कभी नहीं देखा हो। ब्रूस प्रिचर्ड जो WWF में क्रिएटिव थे, उन्होंने एक ऐसी स्टोरी लाइन बिल्ड की क्या हो कि अंडरटेकर का एक भाई हो। अंडरटेकर के लॉन्ग टाइम से बने रहे मैनेजर बॉल बेरर 1996 में हुए मैनकाइंड वर्सेस अंडरटेकर फ्यूड में वे मैनकाइंड की साइड हो गए थे, और इसके बाद WWF ने बहुत स्मार्टली इस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया एपिसोडिकली और स्लोली, जिससे फैंस का इंटरेस्ट इस स्टोरी में बना रहे। और इस मिस्टीरियस डार्क ट्रूथ जो अंडरटेकर के पास से जुड़ा हुआ हो, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अंडरटेकर और उनके भाई के साथ। इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि बहुत सालों पहले अंडरटेकर के पेरेंट्स एक फ्यूनरल होम चलाते हैं, और पॉल बेरर वहाँ उस बिजनेस में उनके साथ एक पार्टनरशिप में टाई अप होते हैं। अंडरटेकर का एक छोटा भाई भी था, और एक दिन रात में वे दोनों मैचस्टिक से खेल रहे थे, और खेल खेल में उनके घर में आग लग जाती है, और आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसमें जलकर उनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, और उनके भाई भी जलकर मर जाता है। फिर इसके बाद पॉल बेरर शॉकिंगली रिवील करते हैं कि उनका अफेयर उनकी माँ के साथ था, और एक्चुअल में केन उनके बेटे हैं। और इसके बाद बहुत सालों से अंडरटेकर को ये लग रहा था कि उनका भाई उस आग में जलकर मर चुका था, लेकिन सच्चाई में उनका भाई उस आग में जलकर नहीं मरा था, वो उस आग को सर्वाइव कर गया था और वो ज़िंदा था, लेकिन उस आग से उसका फेस बर्न आउट हो चुका था, और वो अब मेंटली अनस्टेबल है, और उसे पॉल बेरर ने इतने सालों तक एक मेंटल इंस्टीट्यूट में रखा है ताकि बड़ा होकर वे अंडरटेकर से बदला ले सके, लेकिन अब वे तैयार हैं अंडरटेकर से बदला लेने के लिए। बैड ब्लड 1997 अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स का हेल इन अ सेल मैच चल रहा था। मैच अपने आप में एक ग्रेट मैच था, और फिर मैच के एंड सेगमेंट में जब अंडरटेकर अपना फिनिशर माइकल्स पे लगाने ही वाले थे, तब अचानक से एकदम से लाइट रेड में तब्दील हो गई। तब फाइनली केन ने अपनी एंट्री की फर्स्ट टाइम WWF में, और रिंग अनाउंसर टेबल से विंस मैकमैन की आवाज़ आती है, दैट्स गॉट बी केन। और केन तैयार थे अंडरटेकर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतने सालों से, और अगर आप उस समय जब ये इंसिडेंट हो रहा था और जब आप ये लाइव देख रहे थे, तो इस इंसिडेंट ने गूज बम्स प्रोड्यूस कर दिए थे। उस समय ऑडियंस देखकर पागल हो गई थी इस इंसिडेंट को, ऐसा लगा कि मानो कोई हॉरर मूवी का मॉन्स्टर रिंग की तरफ बढ़ रहा हो। केन का कैरेक्टर स्लैशर हॉरर मूवीज़ के फेमस जेसन वोरीस और माइकल मायर्स के आइकॉनिक कैरेक्टर से इंस्पायर था। केन ने अंडरटेकर के ही फिनिशर टूम्बस्टोन पायल ड्राइवर को अप्लाई किया, और माइकल्स अंडरटेकर को पिन करके जीत गए थे। केन का बिल्डअप काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, और WWF एटीट्यूड एरा के स्टार्टिंग डेज में फैंस ने उन्हें केन के कैरेक्टर को काफ़ी अप्रिशिएट किया। फैंस ने उन्हें रिकग्नाइज ही नहीं किया था कि इससे पहले ग्लेन जेकब्स ने काफ़ी फ्लॉप गिमिक्स दिए थे, जैसे आइज़ैक हैम्पकिन और फेक डीजल का। केन वर्सेस अंडरटेकर का मैच रेसलमेनिया 14 में सेट हुआ। अंडरटेकर ने रॉ के एक एपिसोड में कहा था कि वो अपने भाई अपने खून से नहीं लड़ सकते, लेकिन उस समय इस मैच को बहुत हाइप और ब्लॉकबस्टर इवेंट की तरह बुक किया गया था। लेकिन अगर आज हम इस मैच को अगर वापस देखें तो एक एवरेज ब्रॉल दिखाई देता है दो जाइंट्स के बीच। ओवर द ईयर्स अंडरटेकर वर्सेस केन ने बहुत सारे ग्रेट मैच दिए हैं अपने करियर में, और ग्लेन जेकब्स AKA केन को फाइनली सक्सेस मिली अपने WWE करियर में। और केन का कैरेक्टर भी चेंज हुआ है और इवॉल्व हुआ है अपने इतने सालों में, और अपने करियर में कहीं केन मेन
इवेंटर रहे, तो कभी वे टैग टीम्स का हिस्सा रहे, कभी वो स्टोरी लाइन मैचेस का हिस्सा रहे। और 2003 में जब ट्रिपल एच का रेन ऑफ टेरर चल रहा था, तो उस दौरान एक स्पेक्यूलेशन रखी गई थी वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए कि केन अगर ट्रिपल एच से वर्ल्ड टाइटल हारते हैं तो वो अपना मास्क उतारेंगे। केन उस मैच को हार गए थे और फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना मास्क उतारा और अपना फेस रिवील किया ऑडियंस के सामने, और उनके फेस पे स्कार्स थे। रियलिटी में देखा जाए तो केन का मेकअप ढंग से मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया था, लेकिन उस समय स्टोरी का बिल्डअप इतना शानदार था कि ये कंसेप्ट क्लिक कर गया था और हिट हो गया था। और एक रियलिटी और भी है कि केन को मास्क में परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती थी जब वो रिंग में रेसलिंग करते थे, और जब वे मास्क के अंदर होते थे तो उन्हें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज भी होती थी। और 2010 में उन्होंने एक बार फिर से मास्क को पहना बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और उसके बाद 2010 के बाद वो अथॉरिटी का फिगर है जिसमें उन्होंने कॉरपोरेट टाइप ऑफ गिमिक फॉलो करी थी। अपने WWF के 25+ ईयर्स में तक रहने के बाद 2021 में उन्होंने हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में शामिल किया गया। केन का कैरेक्टर WWE इतिहास में मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है, और ये हम